हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल आर्टिस्ट सुशील। तो इससे पहले मैंने एक सुशांत सिंह राजपूत का स्केच ड्रॉ किया था जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो मैं अपनी वही लैंडस्केप की पुरानी सीरीज़ इजी वे टू लर्न लैंडस्केप को लेके फिर से हाजिर हुआ हूँ। इसमें आपने स्काई ब्लू कलर लेना है और ऊपर माउंटेन्स भी ऊपर इसको अप्लाई करना है। और एक एज सी बना के इसको रोकना है। उसके बाद हमने वहाँ से ब्लू कलर में हल्का सा रेड मिला के एक वायलेट कलर बना के माउंटेन्स ड्रॉ करने हैं। और इसमें थोड़ा डार्क पेंट लगाना है पहले ऊपर की तरफ, और ब्रश ऊपर से नीचे की तरफ आपका आएगा। और फिर बैक साइड पे एक थोड़ा धुंधला सा एक माउंटेन ड्रॉ करना है। आप ये चीज़ पेंसिल से भी पहले कर सकते हो अगर आप न्यू कमर्स हैं तो। इसके बाद नीचे एक हल्की सी लाइन खींचनी है और उसी कलर में वाइट कलर भी ला के नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगाने हैं, ऐसे नीचे के से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। और ये दोनों कलर लाइट और डार्क जो कलर हैं दोनों को आपस में मर्ज कर देना है आपने। भी कोशिश करनी है कि ब्रश ज़्यादा ड्राई ना हो, हल्का सा गीला हो ब्रश, क्योंकि हम ये पेंटिंग पोस्टर कलर में बना रहे हैं। इन दोनों को कलरों को आपस में नीचे से ऊपर की तरफ मिक्स कर देना है। इसके बाद जो हमारे नीचे का लैंड का एरिया है वहाँ पे हमने एक येलो ओकर कलर होता है जो पोस्टर कलर में लगभग ऑयल में भी होता है, वाटर में भी होता है, तो येलो ओकर कलर लेके को लैंड वाले एरिया में अप्लाई कर देना है। अब ब्रश का ध्यान रखना, ब्रश किस एंगल में चल रहा है इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि ब्रश किस एंगल में, क्योंकि जिस चीज़ जिस एंगल में आप ब्रश चलाएंगे उसी तरह के स्ट्रोक आपकी पेंटिंग में आएंगे। और इसको पूरा अप्लाई करने के बाद हमने नेक्स्ट वाइट कलर लेके उसी जो कलर हमने येलो कर लगाया उसके ऊपर, क्योंकि वो हल्का हल्का गीला था तो इसके ऊपर वाइट कलर के साथ ब्रश को टेढ़े एंगल में रख के स्ट्रोक्स लगाने हैं। इसके बाद वाइट कलर लेना है, वाइट कलर थोड़ा थिक लेना है ब्रश के पे लगा के, और उसके ऊपर हमने माउंटेन के ऊपर जो एक हिल एरिया है बर्फ़ का सीन, इसमें स्नो हमने दिखाने के लिए ब्रश को आप देखिए किस एंगल में रख रहा हूँ मैं, उसी एंगल में ब्रश रख के आपने इसको पेंट करना है। हाँ, कलर इसमें थोड़ा थिक लगाना है वाइट आपने, क्योंकि नीचे वाला कलर जो है उसमें मर्ज हो जाएगा, इसमें थोड़ा थिक कलर लगा के बस ब्रश के एंगल में आपने ध्यान रखना है कि सोर्स ऑफ लाइट किस तरफ से आ रहा है। मेरी राइट साइड से हमने दिखाया है कि माउंटेन में लाइट आ रही है, तो उसी हिसाब से वाइट कलर भी जो स्नो है वो उसी तरफ से शाइन करेगी। इसके बाद हमने ग्रीन कलर लेना है। ग्रीन कलर में थोड़ा सा येलो मिक्स कर लेना है, दोनों को मिला के ब्रश को एक रफ़ ब्रश को थोड़ा पैलेट के ऊपर क्रश करके उसमें कलर लगा के ऐसे हमने स्ट्रोक्स लगाने हैं लाइट ग्रीन कलर के, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे जैसे आपको इजीली लगता है।
और ये कलर थोड़ा लाइट रखना है हमने, क्योंकि ये कलर वेरिएशन दिखानी है, इसलिए हमें ये कलर लाइट रखना पड़ेगा। इसके बाद डार्क कलर लेना है हमने, डार्क ग्रीन। और जो हमने जो ये दूर की ट्रीज बनाए हैं, तो उसके नीचे वाले सरफेस पे हमें इसके छोटे छोटे स्ट्रोक लगाने हैं, ताकि जो पीछे वाले हैं वो थोड़े धुंधले नज़र आएं, और इससे हमारी पेंटिंग में एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। अगर कलर पर्सपेक्टिव की नज़र से देखें तो हमें ये लाइट और डार्क टोन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिगिनर के लिए है। तो इसलिए मेरा ये टारगेट होता है कि बिल्कुल इजीली आपको मैं लैंडस्केप करवाऊँ। इसके बाद एक ट्री को हमने ड्रॉ कर लेना है, आप इसको पेंसिल से कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ब्रश पे आपकी कमांड आ रही है तो आप इसको ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। और फिर वही फैन ब्रश, या वो मैंने बताया आपको, ब्रश को थोड़ा क्रश करके फ्लैट ब्रश को, उसके साथ एक ट्री पेंट कर देना है। फिर एक ट्री और हमने पेंट करेंगे साइड से। और उसी जो ब्राउन कलर के हमने ट्री बनाने हैं, उसी को ग्रीन में मिक्स करके फिर नीचे की तरफ वहाँ पे हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने एक ब्राउन कलर पहले अप्लाई कर लेना है, एक छोटी सी चट्टान का हमने बताना है, छोटा सा जैसे पत्थर होता है या कुछ भी। नीचे डार्क ब्राउन रखना है, ऊपर लाइट ब्राउन लगा के फिर वाइट कलर की हेल्प से उस सरफेस में हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाने हैं। इसमें लाइट एंड डार्क दोनों टोन का ध्यान में रखते हुए लगाना है कलर। इसके पास जो बैक साइड का एरिया वाइट था, वहाँ पे भी हमने ट्री पेंट करते हैं। पहले मेरा थोड़ा आइडिया था यहाँ पे कुछ हट वगैरह में बनाऊँ, पर क्योंकि अभी हमारा बिगनर्स के लिए ये लैंडस्केप चल रहे हैं, तो इसलिए इतना काम ज़रूर नहीं करना है इसमें हमने। इसलिए कोशिश करनी है कि ईजीली लैंडस्केप आपकी ड्रॉ हो जाए। फिर यहाँ से हमने डार्क ब्राउन कलर लेना है और एक ट्री को हमने ड्रॉ करना है। ब्रश की हेल्प से कर सकते हो, या आप पहले ही अगर आपको लगता है कि थोड़ा ब्रश पे कमांड नहीं है, तो फिर आप पेंसिल से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि ब्रश को राउंड ब्रश लेना है आपने, 3 नंबर, तो उसको ब्रश की जब ब्रांचेस बनानी है तो फिर ब्रश को ऊपर या नीचे साइड की तरफ ले जाते हुए ब्रश को हल्का हल्का घुमाना होता है। ब्रश को घुमाएंगे तो ब्रश जो ब्रांचेस हैं उसमें ऑटोमेटिकली रिदम आ जाता है। फिर इसके बाद जो ब्राउन कलर है उसकी हल्की हल्की जो दूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे लाइंस तरह से आपने लगानी है कि ऐसे लगेगी जैसे ट्री की ब्रांचेस हल्की हल्की नज़र आ रही हैं। इसके बाद हमने ग्रीन कलर लेना है, यहाँ से थोड़ा वाइट के भी स्ट्रोक्स लगा देने हैं। जो हमारे 12th के बच्चे हैं उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा अगर वो लैंडस्केप अपने पेंटिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो थोड़ा मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें ऐसी पेंटिंग सिखाते होंगे। अगर सिखाते हैं टीचर्स तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता नहीं है। तो यहाँ पे हमने बर्न्ट सियाना कलर होता है एक ब्राउन, उसको लाइट सा लेना है और हल्का सा लगा के
और ब्रश को गीला करके उसको मर्ज कर देना। इसके बाद ग्रीन कलर लेना हमने, ग्रीन में हल्का सा येलो मिक्स कर लें और फिर वैसे ही जैसे मैंने पहले बोला कि ब्रश को क्रश करके या फैन ब्रश की हेल्प से भी ये आप इसके लीव्स बना सकते हैं। अभी हमने ग्रीन कलर लगाया है तो उसमें हल्का सा येलो मिक्स करना है और फिर इसके ऊपर जिस तरफ से लाइट सोर्स ऑफ लाइट है उस वहाँ वहाँ पर हमने ये स्ट्रोक्स लगा देने हैं और यही कलर हमने जो बैक साइड है वहाँ पे भी लगाना है। इसके बाद इसमें आप थोड़ा सा वाइट येलो या ग्रीन में, लाइट ग्रीन में थोड़ा सा येलो और वाइट डाल के मिक्स करके फिर इसके स्ट्रोक्स इसके ऊपर लगाएंगे और ट्री में थोड़ा इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें हल्का सा ब्राउन और वाइट मिक्स करके इसके हल्का हल्का वर्क करें हम, जो ट्रीज के अंदर लाइंस ही होती हैं आप कभी देखेंगे ट्री को पास से तो उसमें उसी को क्रिएट करने की कोशिश करना। फिर हमने वाइट कलर लेना है और जो छोटे ट्रीज दूर बनाए हैं उनकी एजेस पे कहीं कहीं वाइट कलर ब्राउन में मिक्स करके या ग्रीन में मिक्स भी कर सकते हैं आप, अप्लाई करेंगे हमने। बस ब्रश के एंगल को ध्यान रखना है हमने और जो हमने नीचे ये पत्थर सा बनाया है इसमें भी हमने वाइट कलर लेना है ब्राउन के साथ मिक्स कर देना है। वाइट को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है यहाँ पर, हल्का सा ब्राउन साथ में लेके फिर ही लगाना है हमें और ये हमारा लगभग लैंडस्केप रेडी होने वाला है। तो आपने कोशिश करनी है इजीली इसे लैंडस्केप को बनाने की। अगर आपको लैंडस्केप बनाने में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ आपको एडवाइस तो कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। फिर वाइट को हम थिक कलर लेके माउंटेंस में ऐसे हाइलाइट्स लगा देनी है और थोड़ी ऊपर जैसे थोड़ी देर पहले मैंने ये क्लाउड्स में भी लगाई थी, इससे क्लाउड्स क्रिएट किए थे क्योंकि हम थिक कलर अब लगा रहे हैं क्योंकि ये जो पहले डार्क कलर था वो ड्राई हो चुका था तो अब जो वाइट है वो अलग से शाइन देगा। कहीं कहीं वाइट और येलो मिक्स करके आप ट्रीज को भी हाईलाइट कर सकते हैं। मेरा कम से कम कलर यूज़ करने का मतलब कलर में जो वेरिएशन होती है थोड़े कलर, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा शेड्स नहीं यूज़ करता मैं क्योंकि उसका ये कारण है कि आपको इजीली पता लग जाए। अगर ज़्यादा कलर के हम चक्कर में पड़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको मिक्स करना, अप्लाई करना। फिर अब यहाँ नीचे हमने ग्रीन कलर लेना है और थोड़ी सी ग्रास बनाने की कोशिश करनी है। ब्रश को वैसे ही क्रश कर लेना है या फैन ब्रश यूज़ करना। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो में बनाऊँगा कि ब्रश को ये जैसे ये आप लीव्स बना रहे हैं तो ये ब्रश को कैसे आप इस तरह का बना सकते हो कि आपके जो लीव्स हैं अच्छे से अच्छे बन जाएं। इसके बाद हमने बर्ड्स ड्रॉ करनी है, एक ही लाइन में करनी है पास से दूर की तरफ। फ्रेंड्स ये हमारा लैंडस्केप लगभग रेडी हो चुका है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मिलेंगे हम नेक्स्ट प्लांट्स के में। ओके गाइस, गुड बाय।